जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट लेसन पे हम जाएंगे। आज मैं आपको आयरिस प्लांट बनाना सिखाऊंगी। कतरे आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा शेड्स कैसे ऐड करने होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तकरीबन 5 पेटल्स टू 6 पेटल फ्लावर होता है ये, ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट पेटल्स होती हैं वो 5 ही होती हैं, जिसकी वजह से। लेकिन फिर हम लोगों को पर पेटल पर काम करना होता है। पर पेटल में शेड्स कैसे देने हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये टेक्निक जो शेड टेक्निक है, ये किसी भी आप फ्लावर के पेटल पे अप्लाई कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको आपको थोड़ा सा गौर से देखना होगा। ये मैंने ओवल बेस लिया है, तो इस पे इसको आप ग्रे बेस कर लें, आइधर इसी पेस्ट से, टेक्सचर जो टेक्सचर पेस्ट है आपकी ये वाली, या ये अपनी जो प्लास्टर वाली पेस्ट है इससे कर लें। दोनों आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं, जो आपका दिल करता है आपको कर सकते हैं। मैं तकरीबन बड़ी वाली नाइफ यूज़ करती हूँ इसको मिक्सिंग के लिए, जल्दी हो जाता है। मैं थोड़ी सी पेस्ट लूँगी, उसमें वाइट और ग्रे ऐड कर लूँगी ताकि मेरे पास, सॉरी, वाइट और ब्लैक ऐड कर लूँगी ताकि मेरे पास ग्रे बेस बन जाए। हम ज़्यादातर, आपने नोट किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम बेस ग्रे ही यूज़ होती है, क्योंकि डल बैकग्राउंड होगा तो उसमें फ्लावर प्रोमिनेंट होगा और अच्छी भी लगती है। मुझे तो ज़्यादातर वाइट या ग्रे कलर की बेसिस बैकग्राउंड पसंद है, लेकिन ये आपकी अपनी भी चॉइस है कि आप किसी भी कलर में काम कर लें। थोड़ा सा टच ऑफ ब्लैक आपके लाइट ग्रे कलर में बस आ जाए। बेस बनाने का एक और तरीका भी है, लाइक अगर आपके पास ना टेक्सचर पेस्ट है ये वाली, ना ही आपके पास ये डेकोरेटिव प्लास्टर है, तो आप प्लास्टर पेरिस को पानी में मिक्स करके उसमें थोड़ी सी ग्लू डाल के उसमें भी कलर ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होती है कि आप प्लास्टर और पेरिस बस इतना मिक्स करना है, लेकिन उसको अपने बहुत जल्दी इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्लास्टर पेरिस फ़ौरन ड्राई होता है, उसकी जो ड्राइंग टाइम है वो बहुत क्विक है, वो जल्दी हो जाता है। थोड़ा टाइम है उसका ड्राइंग टाइम, तो आपको फिर वो जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है। ग्लू डालेंगे तो उसका ड्राइंग टाइम बढ़ जाता है। बहुत से लोग ग्लू और प्लास्टर पेरिस की भी पेस्ट बना के टेक्सचर पेस्ट यूज करें, मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन वो काफ़ी स्टिकी पेस्ट बनती है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, वो काफ़ी हार्ड पेस्ट बन के काम होता है, या चॉक पाउडर से भी बनती है पेस्ट। मैंने दोनों हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन मुझे जो सबसे इजी कन्वीनियंट लगा था वो यही लगा था। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, इतनी कम भी नहीं होती है कि आप उसको हाथ लगाएं और वो आपके हाथ में आ जाए। जूँ जूँ ये ड्राई होता है ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। आप अपने फर्स्ट लेसन में फ्लावर्स पेटल्स को चेक करें और चेक करें कि इसमें वो हार्ड हो जाती है। मैंने बेस प्रिपेयर कर लिया आपके सामने है, आई होप आपके, हाँ, बिल्कुल फोकस में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं शुरू करूँगी लीव से। हमेशा काम लीव से ही स्टार्ट किया करें, वो लीव जो फर्स्ट स्ट्रोक या बेस लीव होते हैं उसको आप कोशिश किया करें कि वहाँ से काम शुरू करें। अच्छा, लीव्स में प्योर ग्रीन कलर नहीं लूँगी मैं, लूँगी थोड़ा सा टर्कोइस कलर में चली जाऊँगी, ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू और वाइट। थोड़ा सा ब्लू। अच्छा, हमेशा कोशिश किया करें कि डार्क शेड्स लिया करें, डार्क शेड्स ऑफ कलर्स, क्योंकि डार्क को लाइट करना आसान होता है, वाइट डालो लाइट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको लाइट कलर भी लेना पड़ता है, जैसे लाइट पिंक हो गया या लाइट ब्लू हो गया, वो कलर खुद नहीं बनते। इसमें मैं थोड़ा वाइट डाल दूंगी। लाइट कलर मिल जाए, ये आप देखिए थोड़ा सा ब्लू शेड में चला गया, ये नॉट प्योर ग्रीन है। इसको थोड़ा सा हार्ड कर लूंगी, थोड़ा सा पाउडर डाल लूं। ठीक है,
जब भी आप काम करें या तो अपने सामने कोई आइडिया रख लें जो आपने बनाना है, या आप सरफेस पे ही रफली सा ड्रॉ कर लें पेंसिल से कि मैं आप ये बनाना चाह रही हैं। अच्छा, जो आइरिस फ्लावर है उसके लीव्स थोड़े से लंबे होते हैं, तो मैं वो नाइफ यूज़ करूँगी जो सबसे लंबी वाली है। अच्छा, जहाँ पे लीव्स मैंने बनाने, अच्छा लीव्स मैं डबल शेडेड में बनाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लीफ बना लेते हैं और वो सिंगल कलर लीफ होता है और वो बहुत अजीब सा लगता है, उसको आप ड्राई होने के बाद भी डबल शेड दे सकते हैं, लाइक आप उसके एजिस को कलर कर लें, लेकिन वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो कैसे करना है। मैं इस लीफ को टू टोन में लेके जाऊंगी, उसके लिए मैं एक थोड़ा सा येलो भी बनाऊंगी मिक्स करने के लिए, टू शेड्स को मिक्स करने के लिए। कर ले अच्छा, ये आपके पास है एक नाइफ आपके किट में ही है, ये कम यूज़ होती है, या ये बहुत वाइडर पेटल्स, जैसे अगर आपने यहाँ पर पेस्ट ली और उसको आपने सिंगल पेटल में यूँ काम करने के लिए इस्तेमाल करना हो, ये सिंगल स्ट्रोक पेटल्स, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया इससे ना, मुझे लगता है कि इससे उठाना और इससे पेटल्स में वो उतनी डिटेलिंग नहीं आती है। इसको आप डालने के पर्पज़ के लिए, पाउडर डालने या ग्लू डालने उसके लिए रख लें। अच्छा, ये मैंने येलोइश सा भी बना लिए, थोड़ा डार्क है, इसको मैं वाइट करके लाइट कर दूंगी। कलर्स प्लीज डल यूज करें, जितना ब्राइट कलर का काम होता है वो उतना अपीलिंग नहीं होता, लाइट कलर्स डल कलर यूज करें। अगर आपने कोई ब्राइट कलर का काम करना है और आपका दिल करा कि मैं ब्राइट कलर यूज़ करूँ, तो वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाए, लाइक अब बेस लाइट रख रहे हो और उसके ऊपर भी डार्क शार्प कलर्स लगा रहे हो, डल ग्रे बना रहे हो, कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लावर बना रहे हो और उसमें किस कौन से कलर्स का कम्बिनेशन दे रहे हो। कोशिश करें कि एक या दो कलर्स में काम करें, उसी के लाइट टू डार्क टोन में चले जाएँ अगर आप ब्राइट कलर यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट ब्राइट कलर्स को ऐड करना इतना मुनासिब नहीं होता, लेकिन मैं जो अपना लास्ट फ्लावर बनाऊँगी ना पियोनी, इंशाल्लाह ओपन प्योनी है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ब्राइट कलर में काम करना चाहें डिफरेंट और डार्क बेस पे करें तो वो आप कौन से कलर्स यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, ये मेरे पास दो कलर्स बन गए। ठीक है, इसके बाद जी तो हम स्टार्ट करेंगे लीव से। नाइफ्स को मैंने अच्छी तरह ये वेट टॉवल से साफ कर लिए और एक लीव यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ यहाँ इधर इधर और इधर। ये मेरा प्लान है कि हम बेस पे राइट लेफ्ट पे लीव बना लेंगे, बर्ड भी यहाँ पर बन जाएगी, एक यहाँ पर बीच में बर्ड भी आ जाएगी और यहाँ पर पूरा फ्लावर आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने किस तरह दो कलर्स को मिक्स करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया और यहाँ पे येलो लिया, ग्रीन और येलो को इस पॉइंट पे आप मिक्स कर लें। ठीक है, ये यहाँ से ये शेड बन गए और इस एरिया में आप डायरेक्ट येलो लगा लें। ठीक है, ये काम हमने अपने सरफेस पे ही कर लिया। लाइक दिस। अभी आपने नोट करें
लाइट येलो, ग्रीन और सॉरी लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर बन गया। अब हम इस लीफ को उठाएंगे। अच्छा, ये वन टाइम आपका लीफ होगा, इसमें आपने इसको ज़्यादा मिक्सिंग वगैरह नहीं करनी। राइट से लें और लेफ्ट से ले लें, ये आपका लीफ बनना शुरू हो गया पीछे दिस। अभी मैं लगाऊंगी, फिर आपको आइडिया होगा कि ये कैसे बनेगा। अच्छा, आप इसको सरफेस पे भी लगा सकते हैं। सरफेस पे लाके इसको आप शेप दे दें। देखिए आप, मैं सरफेस से इसको उठा लिया, बिल्कुल वही तरीका है, सिंपल सा मैंने इसको सरफेस पे छीट दिया। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद मैं इसको इधर रख दूँगी और बहुत तरीके से, ताकि मेरा लीफ ख़राब ना हो। अच्छा, आप इसको उठा के भी रख सकते हैं हाथ से और नाइफ से भी रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कर्व करूँगी, मैं इस सरफेस पे इसको थोड़ा सा शेप दे दूँगी दिस, और इस कर्व को मैं यहाँ से उठा भी सकती हूँ। बहुत छेड़ना नहीं, असल में मेरी बेस वेट है। अगर आप यही काम ड्राई बेस पे कर रहे हो तो ये मसला नहीं आता कि आपकी जो बेस का कलर ग्रे है वो भी आपका इसमें मिक्स होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा बस इनको आपने शेप देना है, इस तरह से आपका ये लीफ बन जाएगा। इसके बाद इसी कलर को मैं, जो मेरा रह गया था, उठाऊंगी सरफेस में, मैंने इसको रखा ठीक है, शेप दी। दोबारा बना लेते हैं। तरीके से उठाएं, यहां पे रख दें। इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्टेड रखूंगी लाइक दिस, लाइक बेंड होगा इस तरह से। टॉप भी कर्व्ड है और बॉटम भी इसको कर्व्ड है। इसके बाद वही तरीका, येलो और ग्रीन, ये एरिया आप थोड़ा सा मिक्स करना ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे मिक्स करेंगे ना, तो ये ग्रीन और येलो शेड मिक्स हो जाएगा, लाइन नहीं आनी चाहिए, लाइक सेपरेट कलर्स नहीं नज़र आने चाहिए, मिक्सिंग कलर होना चाहिए यहाँ पे। अब इसको हम तरीके से उठाते हैं। उठाने के बाद इसको सरफेस पे यूँ रख लें, इस तरह से भी रख सकते हैं और साइड वाइज भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको शेप दे दें,
जो लीव्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं उनके एजेस शार्प होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये वाले एजेस, ये एजेस, ये और ये एज, ये दोनों शार्प होने चाहिए। टिप उसकी फाइन होनी चाहिए, सही प्रॉपर टिप बनी होनी चाहिए। इसको मैं अब उठा लूँगी, उठा के इसी के साथ मैं देखिए नाइफ मेरी बेस को टच हो रही है, ये वाली नाइफ बेस को टच करनी है। और यहाँ से आपने ये जो एंड ऑफ द लीव है, क्योंकि लंबा नीव है इसको निकालना ज़रा मुश्किल है, तो यहाँ पर आपने नाइफ रखनी है, दूसरी नाइफ, और बड़े आराम से इस नाइफ को स्लाइड कर देना है, ठीक है। ये दूसरा लीव बन गया, ऐसे इस लीव को आप शेप दे दें, थोड़ा ज़िगज़ैग होना चाहिए, पता चले कि लीफ में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके बाद अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप येलो और ग्रीन को मिक्स नहीं करते, लाइक अगर आपने ये ग्रीन कलर लिया और येलो यूं रख दिया, और अगर आप इसको इस पॉइंट पे मिक्स नहीं करते तो कैसा लीव बनेगा? ये देखिए, आपको आइडिया हो गया होगा, ये तो यहां इस एरिया पे ये कलर मिक्स ही नहीं हुआ, येलो अलग है और ग्रीन अलग है, इसलिए इस एरिया पे इस जो आपकी पेस्ट है इसको मिक्स किया जाता है इस हल्का हल्का ऐसे, ताकि ये दोनों कलर्स आपस में ग्रीन और येलो आपस में मिक्स हो जाए, और बिल्कुल एक जो बीच में सेपरेट सी लाइन है ना वो नज़र ना आए। जैसे ये लाइन बनी हुई है, ये नज़र आ रही है, ये नज़र नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप इस कलर्स को ऐसे ऐसे मिक्स कर लेते हैं ताकि शेड बन जाए, ठीक है। इसको मैं आराम से उठा लूंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका लीफ नहीं सही बना, आप दोबारा बना लें, जैसे मेरा भी ये लीफ सही नहीं बना, इसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा बना लूंगी लाइक दिस, और इसको आप सरफेस पे रखें और इसको शेप दे दें, ठीक है। अब चाहें तो बीच में लाइन दे दें और इसको यूं उठा लें, ये आपका लॉन्ग लीफ बन जाएगा। ये एक एज मेरा ज़्यादा शार्प आया इसलिए मैं इसकी यूं डायरेक्शन रखूँगी, इस तरह से मैंने यहाँ पर अगर इसको रखना है, मैंने नाइफ को टच किया बेस के साथ, यहाँ पहले दूसरी नाइफ रखी और इसको आराम से स्लाइड आउट कर दिया, और इसको साफ करने क्योंकि इसको इसके ऊपर बेस का कलर ग्रे लगा होगा, टिप को आप सही कर लें प्रोमिनेंट से, ठीक है। इस तरह से आप लीव्स ऐड करते जाएं, मैंने तकरीबन चार किए हैं, कुछ लीव्स मैं बिल्कुल सिंगल कलर लीव ऐड कर लूँगी, ये जो लॉन्ग नाइव है ये काम इसी से ही होना है, लॉन्ग नीव लीव्स जो इसी से ही बनते हैं। एक लीव मैं यहाँ बना लूँगी, ये वो लीव्स हैं जो फ्लावर के नीचे चले जाएंगे, ये सिंगल स्ट्रोक लीव्स हैं, इनको भी शेप देनी है, उन्हें भी दे देती हूँ, राइट लेफ्ट में नीट किया आपने, पीछे देख लें कुछ रह ना जाए आपको, ये हाथों पर जो टिप एरिया होता है वहाँ पर पेस्ट रह जाती है, उसको आप अच्छी तरह से ठीक करें, और
न्यू लीव्स ऐड करते जाएं। अच्छा, इसको आप टिप भी बना सकते हैं, इसकी न्यू इसको कर्व भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पर लाइन भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से आपके लीव्स बनते जाएंगे। फुल कवर हो जाए आपका, ऊपर से इसको साफ कर लिया करें और यहाँ पर इसको ऐड कर लें। से और आपने देखा होगा कि मैंने मेरा शेड इस कलर से थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसमें येलो डाला था। नाइफ को साफ करें क्योंकि इस पर ग्रे कलर लग गया हुआ था। यहाँ पर उतारूंगी, इसको नीट करूंगी और इसको एज इट इज उठा के इस एरिया में ऐड कर दूंगी लाइक दिस, ठीक है। कुछ लीव्स यहाँ पर नीचे बॉटम में भी आ जाएंगे क्योंकि ये एरिया हमें हाइड करना है। ये वाला जहाँ पर लीफ एंड हो रहा है वो उसके ऊपर हम एक लीफ बना देते हैं। यहाँ से तार के वहां से ही उठा के रख देते हैं ताकि मेरी बेस भी छुप जाए और एक लीफ भी ऐड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे और लीव्स ऐड करनी है, उसके लिए मैं कलर बना लूंगी। मैंने लाइट ब्लू कलर लिया, मैं थोड़ा शेप चेंज करने लग गया। इसमें डालूंगी व्हाइट, ठीक है, व्हाइट में येलो और सम और ब्लू, ठीक है, ज़्यादा ब्लू हो गया। ये हमारा फ्लावर में यूज हो जाएगा। हमारे पास प्योर टर्कोइज कलर आ गया, बहुत फ्रेश सा, और ये कलर सिर्फ लाइट ब्लू से बनता है, नेवी ब्लू से नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हार्ड कर लें, ठीक कर लें। अब मैं कुछ लीव्स इस कलर के भी ऐड करूंगी अलोंग विद येलो शेड। सरफेस को साफ कर लें अपनी नाइफ को भी साफ करके साइड पर कर लें, ठीक है। अब मैं यहाँ से लूँगी येलो कलर, यहाँ से लूँगी टर्कोइज और इसके आगे लगा दूँगी टिप पे येलो, ठीक है, और इन दोनों को इस एरिया पे मिक्स कर दूँगी। की वजह यह है कि मुझे यहाँ पर ब्लेंडेड
कलर मिल जाए, थर्ड कलर जो इन दोनों के दरमियान में बनेगा। ठीक है, ये बड़े एहतियात से बड़े तरीके से आपको ये काम करना पड़ेगा। ब्लेंडेड होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको उठाऊंगी, कलर आपस में जितने ब्लेंड होंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, बस इस चीज़ का ख्याल रखना आपने, ठीक है। ये मेरा लीव रेडी हो गया, मैं इसको यहाँ बनाऊंगी, लेकिन मैं सरफेस पे बना लूंगी। दिस इसको उठा के यहां रख देती हूँ। अटैच कर देते हैं बॉटम के साथ, बेस के साथ। एक लीफ यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर खाली जगह, उसको शेप देते हैं, और इसी शेप के कुछ लीव्स इस साइड पे भी कर लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। इस एरिया को मिक्स कर लेते हैं, और टर्कोइज को यहाँ पर मिक्स कर लूँ। इसके बाद यहाँ पर टच ऑफ येलो दे दूँ, से मेहनत करनी पड़ती है शेड वाले फ्लावर्स बनाने के लिए, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही प्यारा आता है। देखिए कितना प्यारा शेड बना है, ये एक जैसा इवन स्मूथ सा, और यही इसी की इसकी खूबसूरती है कि आप वन टोन में काम नहीं कर रहे हैं, आप डबल टोन में काम कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि आपने इस पर मेहनत की है। बस अपने अपने नीटनेस का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस सारे आपने जितना भी तक सीखा है उसमें जितना आपका काम नीट होगा, क्योंकि एंड पे आके शुरू शुरू में तो चलो आपको इस चीज़ का माफ़ी थी, एक किस्म का एक्सक्यूज़ था क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, कि कोई बात नहीं चल जाता है अभी बिल्कुल स्टार्ट है, लेकिन अब आस्ता आस्ता जैसे ही आपका हाथ साफ होना शुरू हो जाए, अब आपने ज़्यादा तवज्जो नीटनेस पर देनी है, ठीक है। मैं काम थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि टाइम थोड़ा होता है, लेकिन अगर आप देखें तो ये काम बहुत स्लो होता है। मैं चूँकि मुझे एक टाइम लिमिट में वीडियो कंप्लीट करनी है, तो मैं जल्दी कर रही हूँ,
लेकिन कोशिश होती है कि आपको टेक्निक बना दूँ। इसलिए देखें इतने ज़्यादा टाइम में कितने कितना मिनट्स इवन घंटा भी लग जाता है कंप्लीट छोटे से फूल और छोटे से एरिया को कवर करने के लिए, लेकिन असल में ये इतना टाइम नहीं लगता, इससे ज़्यादा लगता है। तो इट्स बेटर कि आप टाइम दें इसको, ठीक है, आपने जल्दबाजी में काम नहीं करना। आस्ता आस्ता इवन मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है उसके बावजूद ये काम टाइम टेकिंग होता है, मेहनत तलब होता है और पेशेंस चाहिए इसके लिए, जल्दी में नहीं करना। एक एक चीज़ को अपने ख्याल से देखना है, कैसा शेप आ रही है, लीव कैसा बन रहा है, पेट फ्लावर कैसा बन रहा है, ये बहुत ध्यान से काम करने वाला है, बिल्कुल जल्दबाजी वाला काम नहीं है। मेरे पास ग्रीन तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया, तो मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले एरिया में हमारे फ्लावर ही आ जाएगा। इस तरह से हमारे सारे फ्लावर्स तैयार हो गए हैं और ये सब शेडेड फ्लावर्स हैं। यही टेक्निक आप हर मैंने ये टेक्निक हर प्रोजेक्ट पे यूज़ नहीं की, उसकी वजह ये है कि ये टाइम टेकिंग टेक्निक है, लेकिन आप इसी टेक्निक को हर प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हो। जब मैं आपको कहती हूँ ना शेड यूज़ करें, शेड यूज़ करने का ये मतलब है कि कुछ लीव्स आप पूरे डार्क बना लेते हैं, उसके बाद लाइट और उसके बाद लाइट, लेकिन इस मेथड में एक ही लीव में कलर दिए गए हैं। पहले तो आप ये कहते थे ना कि बेस बैकग्राउंड डार्क उसके बाद लाइट लीव्स सिंगल कलर में काम करें, लेकिन ये जो लीव्स बनेंगे ये आप हर लीव में जब शेड आएंगे तो उसकी लुक उससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो इसका पार्ट टू जो है इंशाल्लाह वो फ्लावर मेकिंग होगा, उसमें भी इसी तरह शेड्स में काम करना है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो हम फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। ये ब्लू कलर जो हमने बनाया था ये वेस्ट में ही है, इसी ब्लू को हम पर्पल कलर में ले जाएंगे। पर्पल कलर एकदम ख़त्म हो गया है, मेरे पास दूसरा ब्रांड का कलर है डेकोआर्ट का, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास आया किट में वो बेस्ट है, थोड़ा थिन होता है। हमारी इसकी ब्रांड से थोड़ा थिन होता है। अच्छा, मैं इसमें एक डार्क टोन बना लूँगी, उसके बाद इसमें इसके हम लोग शेड्स बनाएंगे, क्योंकि हर पेटल में हमें शेड देना है। ये भी पर्पल नहीं है, ये भी ब्लू ज़्यादा है। इसको पर्पल करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा पिंक डाल लेती हूँ। पर्पल बनता है रेड और ब्लू से, लेकिन रेड और ब्लू को मिला के जो पर्पल शेड बनता है वो बड़ा डल सा शेड होता है, उतना ब्राइट नहीं होता। इसलिए पर्पल जो इटसेल्फ ब्राइट पर्पल बनाना है उसके लिए आपको कलर ही लेना पड़ेगा, प्योर कलर ही लेना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट डाल दूँ, थोड़ा सा शेड आ जाए, ठीक है। और इस येलो को भी मैं फिलहाल साइड पे कर देती हूँ, ज़रूरत है इसकी, हम लोगों ने इसको भी शेड में अपने ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं, वो साथ साथ आपको बताऊँगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी ये टेक्सचर पेस्ट मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए, तो ये मसला ही हल हो जाए। वो रेडीमेड होती हैं और विद कलर्स होती हैं, उसमें ऑलरेडी कलर्स की बनी हुई पूरे पूरे जार्स होते हैं, तो कलर्स नहीं बनाने पड़ते, यानी कि ये बीच का एक स्टेप जो होता है ना वो मिट हो जाता है। बने बनाए कलर्स लें और उनको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पेस्ट भी खुद बनाते हैं, फिर कलर भी खुद ही बनाते हैं और फिर शेड भी खुद ही बनाते हैं। उनके पास बने बनाए कलर्स होते हैं, बनी बनाई बेसिस होती हैं, वो जी बस डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हम स्टार्ट टू एंड सारा काम खुद कर रहे हैं। आपको तो चलो पेस्ट मिल जाती है, लेकिन ये पेस्ट भी जो खुद बनाने हैं उसकी भी एक अपनी हैसल है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं डार्क शेड
छोड़ के बाकी कलर को थोड़ा लाइट करूँगी क्योंकि ये बहुत डार्क कलर है। एक्रेलिक कलर से भी जो पेस्ट है ना वो अच्छी थिक हो जाती है, थिक मतलब के लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और हार्ड भी हो जाती है ड्राई होने के बाद। अच्छा ये वो कलर है जो हमने खुद बनाया है किस्म का, लाइक इसमें हमने ब्लू भी डाल दिया और पिंक भी डाल दिया। इस कलर में और इस कलर में आप फ़र्क देखें, ये वो कलर मैं बनाने लगी हूँ जो प्योर पर्पल से बनाया जाएगा, में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये देखें ये कलर हम बना ही नहीं सकते, आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना प्यारा और ब्राइट कलर बन रहा है। और ये कलर हम जो बनाएंगे खुद से बनाएंगे उसका ये शेड आ रहा है, लाइक खुद मिक्स करके जो हम काम करें, इसलिए मैंने आपको सामने आपको बता दिया। लेकिन ये थोड़ा ब्राइट पर्पल है, इसको आप थोड़ा सा डल कर लें, लाइक आपने इतना ज़्यादा ब्राइट यूज़ नहीं करना। कहने को ये 5 पेटल या 4 पेटल फ्लावर है लेकिन इसमें मेहनत सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें कलर्स हमें हर पेटल में शेड देना है। जितने छोटे फ्लावर्स होते हैं या जितने लेस पेटल फ्लावर होते हैं उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उसमें आपको 5 पेटल में ही एक खूबसूरत सी चीज़ दिखानी होती है। जबकि जो काम आप मल्टीपल पेटल्स में कर रहे होते हैं उसमें कवर हो जाता है, लाइक रोज़ है या प्यूनी, उसमें मल्टीपल पेटल्स हैं, आप पूरे फुल पेटल को सिंगल कलर देके शेड्स बना सकते हैं। एक पेटल डार्क बनाई उसके बाद लाइट बनाई उसके बाद लाइट बनाई तो वो कवर हो जाता है। लेकिन अब एक फ्लावर ही जिसकी पेटल्स ही टोटल 5 हैं तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है कि उसको आप अच्छा भी लगे शेड्स भी हों, तो इसलिए फिर हम लोग हर पेटल के अंदर शेड्स दे देते हैं बिल्कुल वैसे जैसे ये लीव्स को शेड दिया। ये मैंने एंड में इसलिए लहसुन रखे थे क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने के बाद, यानी कि आपका हाथ जब साफ हो जाता है उसके बाद ये काम होता है। अच्छा मेरे पास वाइट है, ये ब्राइट पर्पल है, थोड़ा सा डल पर्पल और थोड़ा सा डार्क पर्पल है, ये दोनों डल शेड्स पर्पल है। ठीक है सरफेस को मैं अपने नाइव्स को, और ये थोड़ा येलो भी है जो हमारा पहले बच गया था, इस एरिया को मैं साफ़ कर दूंगी क्योंकि मैंने मिक्सिंग इस एरिया में करनी है। उसको अच्छी तरह से आप साफ़ कर लिया करें, अपने नाइव्स को हर स्टेप के बाद साफ़ किया करें क्योंकि यही जो साइडों पे लगे होते हैं ये उड़ उड़ के फिर आपके ना इसके पर जिस पर आप काम करें वहाँ चले जाते हैं, इसलिए आप इनको साफ रखें बार बार। ठीक है अच्छा अब हम स्टार्ट करेंगे टॉप 2 पेटल्स के साथ। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द फ्लावर, यानी कि मैं ये मेरा सेंटर है इसकी। अच्छा उससे पहले मैं बड बनाती हूँ क्योंकि बड थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, बड के लिए मैं छोटी नाइफ लेती हूँ। और अब देखिए मैं कितने कलर मिक्स कर रही हूँ, वाइट के बाद अब आपको गौर से देखना पड़ेगा लाइट वाला पर्पल डल वाला और ब्राइट पर्पल। अब ये 3 कलर्स को मैंने मिक्स किया। अब मैं ऐसे नहीं उठा सकती, जब भी मैं इसको ऐसे रखते साथ ही उठाऊंगी ये आपस में इनके कलर्स के दरमियान में लाइन आ जाएगी, इसलिए मैं इन 2 कलर्स के दरमियान इसको मैं थोड़ा सा मिक्सिंग करूंगी यहाँ और इस एरिया में मैं साफ करती जाऊँगी साथ साथ ही। आप नोट करें मैं साफ कर रही हूँ इसको, और ये जो मेरा एरिया था ब्लू और वाइट वाला इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी बीच वाले एरिया में, यानी कि इधर से लिया इसको मिक्स किया दिस, और इस तरह से मैंने इसका एक शेप बना लिया। मैं इसको उठाऊंगी, अब आपको गौर से देखने कि मैंने इसको उठाना कैसे, चेक कर लो आपकी वीडियो में आना चाहिए। ठीक है
अच्छा ये मैंने मीडियम साइज़ वाला नाइफ लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, इसको मैं दोबारा रख के आराम से रखूँगी, मेरे कलर ख़राब ना हो। बारीक बारीक सा उठाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके, देखिए ये आपके पास शेड्स आ गए लाइक दिस। ये हमारे पास पेटल रेडी होगी और हम यही एरिया इसका शो करेंगे पेटल का। ये नीचे का एरिया है, उसके बाद एक और पेटल आएगी। हम आपको बताते हैं कैसे बनानी। सबसे पहले आप इसको नाइफ को रख के नाइफ आउट कर लें। ठीक है, ये वन पार्ट इसका पेटल है, ये ओवरलैप टू पार्ट्स बनेंगे। अच्छा, दूसरी पेटल भी इसी तरीके से आपने बनानी, स्टार्ट फ्रॉम वाइट, वाइट के बाद ब्लू, ब्लू के बाद पर्पल, ऐसे। ठीक है, ये तीनों कलर्स जब आप इसको बेस बना ऐसे करें और इनको कलर्स को आपस में इस एरिया में मिक्स कर दें। ठीक है, अब इस एरिया में भी मैं इन दो कलर्स को मिक्स कर दूंगी। ठीक है, इनको इकट्ठा कर दें ताकि ऊंचा नीचा ना हो जाए। अब इसको आप उठाना शुरू करें। ठाक के इसको रखें, ये भी कलर आपस में ब्लेंड नहीं हुए हैं। ठीक है, हर दफा साफ करें। अब यहाँ से तरीके से आप कलर ऐड करना शुरू करते हैं। अब ये मेरा वो एरिया जहां से मैंने इसको कर्व देना है और इसको मैं आराम से पहले मैं सरफेस पे उतार लूँगी, इसको कर्व ऐसे कर दूँ, कर्व इन कर देती हूँ ताकि मेरे इसको ही मैंने आगे लेके चलना है। बड़े तरीके से मैं उठा के इसी के ऊपर, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला यहाँ से मेरा ये वाला एरिया टच होना चाहिए। इसके ऊपर रखें और इस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं ताकि लगे कि वर्ड यहाँ से शुरू हो रही है। इसको ओवरलैप करना है ऐसे, देखिए यहाँ से लगे कि ओपन है और ऊपर से ओवरलैप हो रही है लाइक दिस। ठीक है, जहाँ पर ये आपको लगे कि ये मेरा अंदर से यूँ प्रेस हो सकता है तो आप इसके अंदर टिशू डाल लें। टिशू को मैंने बॉल सा बनाया, उसको अंदर डाल दिया, बेशक ये ना निकाल लें कोई मसला नहीं, अंदर ही रह जाए।
बेसिकली इसको हम सपोर्ट करते हैं। ये पता चले कि नीचे आप ही आपने एक पेटल रखी है और उसके बाद एक और पेटल रखी है। आपने देखा होगा कि काम हमने प्लेन एरिया पे नहीं किया, ये काम हमने अपोजिट एरिया पे किया है, लाइक उल्टा यूज़ किया है। वो रफ एरिया जो हम लोग नीचे लेके जाते हैं उसको मैंने ऊपर दिया। उसकी वजह ये कि ये जो स्ट्रोक्स लाइंस है ना, इससे ये पेटल की ओरिजिनलिटी फील होती है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ओपन ऐसे कर लें या जिगजैग, ये देखिए ना ये कर्व्स देते हैं लाइक दिस, ताकि नीचे वाले पेटल भी आपको विजिबल हो जाए। बड़े प्यार से बनाना, जल्दी से काम नहीं करना। अब इस एरिया में थोड़ा सा वाइट कलर लूंगी मैं। इसकी क्या रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ। छोटा सा बर्ड बनाना है, ये अभी हमारी बर्ड ही बन रही है। इसको आप यूँ कर्व कर दें, इसको उठा के बड़े तरीके से यहाँ पे रखते हैं। इसीलिए ये पार्ट ऑफ द पेटल ही है। यहाँ से शुरू हो रही है यानी कि इसकी स्टेम, ठीक है। ये एरिया क्यों बना है? ये वो सेपल्स हैं जहां से बर्ड निकली है, ठीक है। जब सेपल फटती हैं तो उसके अंदर से फ्लावर निकलते हैं, तो ये वो सेपल्स हैं जो फट रही हैं, जो रोज की 5 सेपल्स होती है नीचे ग्रीन सी, ये इसकी वही सेपल्स हैं। तो ये फटा है और ये निकला है, तो अब हम ये सेपल्स बनाने लगे हैं दोनों। थोड़ी सी येलोइश, थोड़ी सी ब्लूइश, इधर ही थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि नया शेड बन जाए। 2 शेड्स में काम आ रही है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू, ऊपर येलो, ठीक है। 6 से 12 और इसको फिर उठा लें। ये मैंने थोड़ी हार्ड बनाई है ताकि बैठे नहीं। ठीक है, इसको सरफेस पे उतारें, नीट करें, कर्व कर दें, ये आपकी सेपल बन जाएगी। एक और ये हम इधर लगा देते हैं। इसको शेप देते हैं, ठीक है। ये आपके बर्ड रेडी है, और से देखें अब हम सेंटर में यहाँ पे फ्लावर बनाने लगे। फ्लावर के 5 पेटल्स हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे वाइट से। पहले मैं एरिया क्लीन कर लूँ। ताकि कोई और कलर मिक्स ना हो, उसके लिए पहले आप वाइट से शुरू करें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लू ऐड करें, उसके बाद थोड़ा सा येलो, और यहाँ पे इसको उतार दें। अब ये देखिए आपके कलर्स मिक्स नहीं हुए अच्छी तरह। मैं ये दोबारा काम करूँगी, वाइट ब्लू और येलो दोबारा से उतारें।
अभी भी आपके कलर्स उस तरह से मिक्स नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए। ये काम ये फिर मैं रिपीट करूँगी। वाइट ये आप नीट कर लें क्योंकि ये हमने इस साइड के पेटल बनानी है। ब्लू और उसके बाद एंड में येलो। और पेटल बना के ये यहाँ से वाइड होती है, ये एरिया इसका वाइड होता है और ये एरिया इसका यहाँ से थिन होता है। इसको यहाँ से कट आउट भी कर सकते हैं। हार्ट शेप होगी इसकी जो हमारी फ्रंट की पेटल बनेगी। ठीक है, ये हाफ एक पेटल का हाफ पार्ट है, यानी कि 5 पेटल्स बनी है तो ये बिल्कुल हाफ पार्ट है। मैं इसको यहाँ पे उतार देती हूँ एग्जैक्टली इस जगह पे। ये मेरे पास फर्स्ट पेटल बन गई है और इसको मैं थोड़ी सी नीचे टिश्यू सपोर्ट दे देती हूँ ताकि ये मेरी उठी उठी रहे, बाद में मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से अब मैं इसी पेटल का बाकी का पार्ट बनाऊँगी और इसको मैं पहले मिक्स करूँगी। ठीक है, लाइक दिस इस एरिया को मैं मिक्स कर दूंगी और इस एरिया को भी मैं मिक्स कर दूंगी शेड आ जाए। और इसको मैं तरीके से उठा लूंगी। और अब इसको मैं यहाँ पे वाइट एरिया मेरा कम हो गया, अंदर मर्ज हो गया तो मैंने वाइट और ऐड कर दिए। मैं यहाँ से आराम से क्योंकि मुझे इसका राइट हिस्सा चाहिए तो मैं राइट एरिया ऐड करती जाऊँगी। ऊपर वाला है इसका एरिया वाइड होता है तो मैं ऊपर ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ये रेस्ट हाफ ऑफ द पेटल है, यानी कि ये फर्स्ट पेटल बन रही है। अब इस पेटल को मैं इधर फर्स्ट स्पेशल पेटल के साथ अटैच कर दूंगी। और ये जो टिप है इसको थोड़ा लंबा करके इसको ज्वाइन कर दूंगी इधर से। ये हमारी फर्स्ट पेटल अभी रेडी हुई है। ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद बाकी की पेटल्स बनाते हैं। ये मैंने वाइट और लाइट कलर लिए और थोड़ा सा यहाँ पे येलो भी ऐड कर लूँगी। अब ये इन इस कलर्स को आपस में मर्ज करें। और इधर भी आप थोड़ा सा डार्क कलर ऐड करके इसको मर्ज कर लें। ठीक है, अब देखते हैं कैसी बनती है। मुझे खुद भी अभी आइडिया नहीं है इसका रिजल्ट क्या आता है। एक दफ़ा पेटल उठा लें तो उसको दोबारा से आप सरफेस पे डाल लें।
इससे तक ये जो मिक्सिंग किए हैं अपने कलर्स ये आपस में और ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। इधर से नहीं अब आपने लेना, आप एक ही साइड पे एक ही एरिया पे काम करेंगे, लाइक एक ही डायरेक्शन पे। ठीक है, इसके बाद इस ही पेटल को आपने शेप देना है। शेप देने का मतलब ये है ऊपर से आपका वाइड होगा और नीचे से आपका लेस वाइड होगा। ये इस तरह से ओपन पेटल होती है और ये हाफ पेटल बन रही है चूंकि, तो ऊपर से ये ज़्यादा वाइड होगा और नीचे से लेस वाइड होगा। इसको आप इसको कर्व दे सकते हैं, इसको आप उठाइए और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा बिल्कुल इसके साथ, पिछली वाली पेटल्स के साथ इसको आराम से रख दे और ये। इसी तरह से अब मैं बाकी का हाफ बनाऊंगी। कलर्स को आपस में मर्ज करें, दिस एंड वाइट, और इसको भी मर्ज करते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब हमें चाहिए राइट साइड पे हमें इसको लिफ्ट करना है। ये बाकी साइडों से उठा लिया करेंगे, इसमें मिक्स हो जाएंगे कलर। देखिए अब हमें ये इस हिस्सा नीचे चाहिए, आराम से इसको उठाइए और यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, अब इसको उसी तरह से शेप दें, बॉटम इसका या लोअर एरिया इसका पतला होगा और ऊपर से यहाँ से थिन होगा और यहाँ से थोड़ा वाइड होगा, ट्विस्टेड भी होगा और इसमें फ्रिल होगी। ठीक है, और ये इसको हम इसको आराम से उठाइए और इसके साथ अटैच कर लीजिए। ये हमारी टू पेटल्स रेडी हो गई हैं। अब आप ये रखते हैं, इन एरिया को आपस में ज्वाइन कर लें लाइक दिस। और से देखें बाकी की हमें थ्री पेटल्स बनानी है और ये पॉइंट जो है वो इन्वर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी, और ये बहुत पेशेंस से करने वाला काम है। खासतौर पे ये वाला जो फ्लावर है इसको थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन चाहिए आपकी। अच्छा, इसके बाद इन दो पेटल्स के दरमियान दो छोटे पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ द पेटल्स ही है, वो हम यहाँ से ऐड करके यहाँ अटैच कर देंगे लाइक दिस, लाइक इसका सेंटर पार्ट है और यहाँ से कर्व्ड होगा, कर्व्ड इन होगा। इसको उठा के स्टैंडिंग पोजीशन में ही इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए आप और से इसको, ये छोटा होगा, ये इनवर्ड हो जाएगा और ये इसके आउटवर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बाकी दो पेटल्स, बाकी तीन पेटल्स बनाएंगे। तीन पेटल्स के लिए
हम स्टार्ट करेंगे राइट पेटल से। येलो को बिल्कुल साइड पर करते हैं, मैं अभी ये यूज़ नहीं करूँगी। अब हमारे पास 3 शेड्स हैं, डार्क, लाइट और ब्राइट। मैं डार्क वाला कलर ले रही हूँ। इसको थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पर्पल डालूँगी और थोड़ा सा पाउडर भी डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। अच्छा, एक इससे भी छोटी बर्ड होती है, ये जो मैंने बर्ड बनाई है ये थोड़ी बड़ी है, ये यहाँ से थोड़ी सी उठी होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए बैक पे टिशू रख देती हूँ ताकि ये पीछे की तरफ ना जाए। एक इससे भी छोटी बर्ड होती है, वो वन स्ट्रोक में बन जाती है। वो मैं इस कलर की आपको बना के बताती हूँ कैसे बनेगी, वो ऊपर ऐड कर लेते हैं कि क्या वन साइड से लेते जाएं इतना कि ये देखें कर्व हो गया, देखें। और इसको एज इट इज़ यहाँ पे अटैच कर बड़े आराम से अपने नाइफ रखनी है। ये काम ऐसे आपको पहले करना चाहिए क्योंकि पीछे वाला आपका काम इस वजह से ख़राब हो सकता है। जब आप यहाँ पर ये पेटल रखते हैं इसको टिप बना लें, लंबी सी टिप, पता चले कि ये यहाँ से शुरू हो रही है। और वही तरीका सेपल्स का, मैं राइट साइड से सेपल लूंगी। नीट नहीं बने, दोबारा बनाती हूँ। इसको बोर्ड पे उतारें, इसको कर्व करें, नीचे से एक्स्ट्रा कट कर दें, यहाँ से थिन हो ऊपर से थिक हो, और इसके बाद इधर से इसको यहाँ अटैच कर दूँगी। ठीक है, ऐसे ये आपकी सिंगल स्ट्रोक पेटल बन गई, बर्ड बन गया, सॉरी। ये मेरी जो बर्ड है ना ये मुझे तंग कर रही है, जो बैठ रही है। जब मैं फ्लावर बनाती हूँ या तो मैं इसको फौरी तौर पे हीटर के आगे रख देती हूँ या धूप में रख देती हूँ। आजकल धूप अब तेज़ है, सर्दियों में हीटर के आगे रख देती हूँ और वो अपनी शेप पे वहाँ पर सेट हो जाती है। ये बंद हो रही है लिहाजा इसको ओपन करके मैं इन दोनों को सेपरेट करके यहाँ पर थोड़ा सा टिश्यू डाल देती हूँ ताकि आपस में ना जुड़ जाए। दिस अच्छा, अब मैं जाऊँगी बाकी की पेटल्स की तरफ। इसके लिए मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया था और इसको अब मैं उठाऊंगी। अच्छा, अब मुझे ये इसको टर्न करना चाहिए क्योंकि पेटल्स यहाँ पर अटैच होंगे और मैं यहाँ से राइट साइड से उठा रही हूँ। ये लोअर एरिया है पेटल का। अब ये देखें, यहाँ से ये थिन होनी चाहिए और यहाँ से ये वाइड होनी चाहिए, और जो वाइड एरिया है उसको आप प्रेस करके भी वाइड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कर्व कर दें। अच्छा, ये पेटल यहाँ लगेगी क्योंकि ये 3 पेटल्स नीचे इक्वली और एक पेटल सेंटर से निकलेगी, तो इसको मैं तकरीबन यहाँ पर अटैच कर दूँगी। लीव्स के ऊपर आगे कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर ओवरलैपिंग पेटल बनेगी। ओवरलैपिंग पेटल के लिए मैं 2 कलर्स को मिक्स करूंगी ताकि डार्क और लाइट हो जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वाइट का भी टच दे देते हैं, लाइट ब्लू कर दें, लाइक दिस। इसको बड़े तरीके से आपने उठाना। अब ये पेटल का हमें ये एरिया नीट चाहिए क्योंकि वो पेटल इसके ऊपर आएगी, वो आप देखें कैसे।
मैं यहाँ ही से लेती जाऊँगी क्योंकि मुझे ये एरिया कर्व इन करना है। देखिए मेरी पेटल बन गई है, इसको मैं इसी के साथ असल में ये वन पेटल के हमने दो हिस्सों से बनाई है, लाइक ये वन स्ट्रोक में नहीं बनी थी, ये टू स्ट्रोक में ही बनी थी। इसको जोड़ते हैं यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा गिरते हैं इनको साथ ही उठा लें। आप गौर से देखें तो ये सिंगल पेटल है पर ये टर्न पेटल है। इसका इनसाइड भी आप देख लें, इसका आउटसाइड भी, इसको ज़्यादा हिला नहीं सकती अभी, लेकिन ये कर्विन है लाइक दिस। और ये यहाँ से शुरू हो रही है कर्व के बाद, ऐसे इसकी एक स्पेशल शेप है, ये ऐसे यहाँ से यूँ स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद हम लेफ्ट साइड की पेटल बनाएंगे, मैं वो इस कलर में और वाइट में बना देती हूँ और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट कलर भी दे देते। अच्छा, ये मैं वन स्ट्रोक में पेटल बनाऊँगी, तो पिछले वाली पेटल ज़रा ओपन थी, ये थोड़ी सी क्लोज पेटल है तो ये वन स्ट्रोक में भी बन रही है। अच्छा, मुझे ये पेटल इधर चाहिए, इस डायरेक्शन में मैं इसको लेके जाऊंगी दोबारा से। ठीक है, और मैं इसको पहले सारा एरिया में नीट कर लूँ, यहाँ से साफ कर लूँ। यहाँ से मैं पेटल उठा लूँ, ये एरिया मुझे नीट चाहिए लिहाजा मैं इसी एरिया को नीट कर लूंगी पहले। और इस एरिया से मैं उठा रही हूँ, इधर से नहीं मैं उठाऊंगी क्योंकि मुझे ऊपर से अपनी पेटल वाइट करनी है। सिंगल स्ट्रोक में बेटर बन गई है, इसको थोड़ा सा एजिस को आप नीट कर लें, सरफेस पे उतार लें, काफी बड़ी पेटल है, डालते डालते खराब हो जाएगी। आराम से इसको डाला, इसको आराम से उठाया और यहाँ पे रख दिया बिल्कुल एग्जैक्टली उसी एंगल और उसी डायरेक्शन पे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, सीधा करके आप इसको देख लें, इसको भी कर्व इन कर दें लाइक दिस। ठीक है, राइट कर्व और लेफ्ट कर्व दोनों कर्व इन बैठा हो जाए। अब इन दोनों के बाद थोड़ा सा मैं दूर कर लें इसको, अब हमारे पास लास्ट पेटल जो हमने बनानी है वो हमारी ये सेंटर पेटल होगी। अच्छा, उसके लिए जितना बच गया इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको शेड दे देते हैं। ये पेटल तो वैसे ही स्ट्रोक्स होंगे, इसमें वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं,
तो हम इसको एज इट इज़ उठा लेंगे। अच्छा अब हम यहाँ से राइट से स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये दोनों साइड से इसके नीट एजेस चाहिए, यानी कि ये दो हिस्से में ही पैटर्न बनेगी, ये राइट एरिया इसको अब हम सरफेस पे उठा लेते हैं, और द लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट साइड की पेटल आपके इस एरिया से नीट होनी चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको मिला लेते हैं, काफ़ी बड़े साइज की पेटल बनी है। सेंटर आप ज्वाइन कर लें, नाइफ को नीट कर लें। अब इसको आपने करना क्या है, इसको आपने कर्व इन करना है, यानी कि यहाँ से बॉटम आपका थिन होगा और ये एरिया आपका कर्ली होगा, यानी कि जो आपके ऊपर का टॉप का एरिया है इसमें कर्ल्स होंगे, ठीक है। उसको पहले हम नीट कर लेते हैं, और अब इसमें हम कर्ल्स दे देंगे। कर्ल्स मैं सरफेस पे रख के दूंगी, अभी दिए तो वो ख़राब हो जाएंगे। हमें बड़े इसको तरीके से उठाना है, असल चैलेंज ही इसको उठाना है। काफ़ी बड़ी पेटल है इसलिए मैं इसको हाथ में उठा लेती हूँ, ठीक है। ये सीधी इस तरह है, अच्छा इसको हाथ पे भी शेप दे सकते हैं। लाइक मुझे अब इसका सेंटर सिर्फ प्लेन चाहिए, मुझे इसमें बीच में लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, स्ट्रोक से नाइफ से ही काम करें ताकि नाइफ के ही स्ट्रोक नजर आए, आपके फिंगरप्रिंट्स नजर ना आए। दिस एज को भी नीट करें, यानी कि बारीक कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद इसको आप अटैच कैसे करना है, लाइक दिस, यानी कि ये कर्व इन और आउट हो रही है, ठीक है। यानी कि ये जो टिप है ये आपकी अंदर से बाहर आ रही है ऐसे, ठीक है। और अब इस सारे एरिया को आप फ्रिल दे दें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस फ्लावर में फ्रिल काफ़ी होती है। यहाँ पर भी फ्रिल दे दें, ठीक है। जितने ये एरिया आपका ये जो एज है जितना थिन होगा उतनी इसमें इसकी लुक जो है ना वो ओरिजिनल आएगी। इसको हम थोड़ा सा इन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको भी क्योंकि यहाँ से इतनी ज़्यादा वाइड नहीं होती है। हमारा ये आयरिश ऑलमोस्ट डन है, अभी हमारा थोड़ा सा काम रहता है। ये लीव्स नीचे के खराब हो गए हैं, वो मैं सही कर लूँ। बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके लीव्स खराब ना हो नीचे वाले, हो जाए तो आप इनको सही कर लें। अच्छा नीचे वाली जो पेटल्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा कर देते, बारीक बारीक फ्रेम बनानी है फिंगर्स की मदद से या नाइफ की मदद से आप बना लें। आई थिंक ये डन है, अब हम थोड़ा सा येलो का काम करेंगे, येलो कलर लेंगे। ये येलो बहुत ब्राइट सा ब्लंट सा येलो, इसमें थोड़ा सा रेड का शेड डालना पड़ेगा ताकि थोड़ा डल हो जाए, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी ग्लू लूंगी,
हो गया था। अच्छा एक और यहाँ पर मुझे थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि ये पेटल जो है ना, जो लास्ट पेटल है, ये कर्व्ड हो गए लाइक अंदर से। तो वो आप पहले ही यहाँ पर एक टिश्यू का सिलेंडर से बना के रखें ताकि वो उठी भी हो और यूँ डोम्ड हो। बहुत प्यार से काम करना है इस फ्लावर के लिए आपको, ठीक है? थोड़ा सा गैप दे दो इन दोनों को। अच्छा ये जो हमने येलो बनाया था इसको हमने क्या करना है आपको बताते हैं। थोड़ा डार्क हो गया, इसमें थोड़ा वाइट डाल लेते हैं, बिल्कुल ये आखिरी दमों पे बस कंप्लीट होने वाला है। बज़ाहिर तो ये बहुत आसान 5 पेटल सिंपल सा फ्लावर होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा आपने एक छोटा सा कोन बनाना है, हाथ से बना लें या नाइफ से बना लें, सब टू यू। बॉल बनाएं और इसको यहाँ से दबाएं, ये कोन बन जाएगा। इसको ये जो पेटल आपने बनाई है ये बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल आई थी, इसकी इस एरिया पे लगा लें, ये बहुत बड़ा बन गया। छोटा सारा लेके यहाँ तक इसको लगाने, यानी कि पेटल के बाहर इसको लगा के इसको नाइफ से रफ सा कर लें। मैं भी आपको करीब से दिखाते हैं, आपको आइडिया देगा। मैं बस नाइफ के स्ट्रोक्स इस पे लगा रही हूँ ऐसे, ठीक है? सेम मेथड दूसरी पेटल पे भी करना है। ये इसकी टॉप सरफेस है, यहाँ पे लगा के इसको रफ करना है। ये तो पिक से भी कर सकते हैं, मैं बस अभी नहीं था मैं नाइफ यूज कर लिया। ठीक है ये पेटल के ऊपर ही लगे होते हैं, और जो सेंटर है उस पर भी होता है। नहीं आप कौन बनाए इस तरह से इसके ऊपर लगा दें ऐसे, और इसको दबा दें और इसको रफ कर दें। ठीक है ये आपका आयरिस रेडी है। इसे अब क्लोज लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, चेक करें शेडेड, और इसको थोड़ा सा अनवर्ट कर दें। तो ये बार बार बाहर की तरफ जा रहा है, मैं इसकी बैक सपोर्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टिश्यू दे देते हैं, ठीक है, ताकि ये पेटल जिस तरह से इनवर्ट है। और ये जो पेटल है ये भी अंदर से बाहर निकलती हुई दिखानी है, तो इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो येलो पार्ट है ना, येलो है या जो मस्टर्ड सा पार्ट है, ये पेटल के ऊपर अटैच होता है, आपने इसको एज इट इज ही शो करना है, ठीक है? एंड दैट्स इट, का फ्लावर रेडी है। और आप चाहें तो ये जो कर्व्ड पेटल थी इसके नीचे भी एक बॉल बना के रख लें, और इसको आप निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ना हो कि आप ढूंढ के निकालें और वो टूट जाए। यहाँ से टच हो सेंटर जो है ना वराइज, इसको बीच में पीछे से टिश्यू सपोर्ट मिल जाएगी। ओके ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया।
दैट्स इट, ये जहाँ पे गिर रहे हैं इनको आप साथ ही उठा लो। ये जब ड्राई होगा इसकी फिर लुक आपको मैं दिखा दूंगी, क्योंकि टिश्यू भी अभी फंसे हुए हैं जगह जगह, तो अभी नीट हो जाएगा।